बजरे। इमां मणिपुर को खुरु बजरे। दमदम असी जी अजरबानाथ संस्कृति हमसुम नहारोल सानारोय सिंहबू एना नोलू कचरी। भाइयों बहनों, आज मैं सबसे पहले मणिपुर के लिए एक शिकायत करना चाहता हूं, कंप्लेन करना चाहता हूं। करूं? लेकिन आप बुरा मान जाएंगे तो करूं, कंप्लेन करूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? पक्का नहीं मानेंगे? एकदम पक्का। देखिए, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था और उस समय इसी मैदान में सभा थी, लेकिन उस समय आधा मैदान भी भरा नहीं था। मैं खुद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था, इतनी दूर से आया था, लेकिन आधा मैदान भी नहीं भरा था और आज चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। भाइयों बहनों, आपने जो प्यार दिखाया है, आशीर्वाद दिखाए दिए हैं, इसके लिए शिकायत नहीं हो सकती है, सिर्फ आपका अभिनंदन ही हो सकता है, आपका धन्यवाद ही हो सकता है। भाइयों बहनों, आज मणिपुर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग चुका है और कुछ ही दिनों में आप अपना नववर्ष भी मनाने वाले हैं, तब तो खुशियों का पार नहीं होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मुझे दिल्ली में आपने जिम्मेवारी दी, अभी 2.5 साल हुआ है और यहां मुख्यमंत्री 15 साल से बैठे हैं। कोई काम नजर आता है क्या? कोई काम नजर आता है क्या? मणिपुर का भला किया क्या? विकास के काम किए क्या? नौजवान को रोजगार के लिए कुछ किया क्या? आप मुझे बताइए, मणिपुर जो हमारे पूर्व का स्विट्जरलैंड माना जाता है, अगर उसकी ये बर्बादी की है, 15 साल लगातार मणिपुर नीचे ही गया, नीचे ही गया। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर के किसानों का नुकसान किसने किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? मणिपुर के नौजवानों का भाग्य किसने डुबोया? जिस कांग्रेस के
सपना है, अब मणिपुर में उस कांग्रेस को एक दिन भी रहने का अधिकार है क्या? है क्या? अब इस बात पूरी तरह साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? भाइयों बहनों, दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार बनी है जिस सरकार ने सबसे पहली योजना लगाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमने कहा जब तक पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्व ये विकसित नहीं होगा, हिंदुस्तान का विकास अधूरा रह जाएगा। प्राकृतिक संपदा से हरा भरा यहां के लोग सामर्थ्यवान, कानून को मानने वाले लोग, पवित्र जीवन जीना पसंद करने वाले लोग, अगर सरकार दो कदम चले तो यहां के लोग 10 कदम दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा हमारा ये राज्य है। लेकिन भाइयों बहनों, नॉर्थ ईस्ट पुरानी सरकार कांग्रेस ने राजनीति का खेल का मैदान बना दिया। एक जनजाति को दूसरी जनजाति के साथ लड़ाया, चुनाव आ जाए तो विकास की चर्चा नहीं करना, काम का हिसाब नहीं देना, सिर्फ एक जाति को, एक जनजाति को दूसरी जनजाति के खिलाफ भड़का देना, लड़ाई करवा देना और बीच में से अपना उल्लू सीधा कर लेना, यही कारोबार चला है। भाइयों बहनों, ये मणिपुर को बर्बाद करने वाले इनके तौर तरीके ये खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मणिपुर की एकता, मणिपुर का विकास, मणिपुर का भला, यही हमारा सपना हो या चाहिए कि नहीं? कोई भी जनजाति हो, पहाड़ी हो या तराई हो, शहर हो या गांव हो, हर किसी का एक समान रूप से भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ना? मैं आज आपके बीच में ये विश्वास दिलाने आया हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में सेवा करने का अवसर दी। हमें सिर्फ 5 साल दीजिए, उनको आपने 15 साल दिए हैं। 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने में वो करके दिखाएगी आपको। 15 महीने में करने का मैं वादा करता हूं भाई। और आप हमारा व्यक्तिगत रूप से तो मेरा इस भूभाग के प्रति लगाव है, ये पूरा क्षेत्र हमारा नॉर्थ ईस्ट सभी राज्यों का भला हो, ये देश की एकता और अखंडता के लिए भी आवश्यक है। यहां होनहार नौजवान है वो हमारे देश की अमानत है। इन होनहार नौजवानों का देश के विकास में योगदान बढ़े, इससे देश का भला होने वाला है, देश का लाभ होने वाला है। और इसलिए हम यहां के नौजवानों के लिए विकास की नई ऊंचाइयां पार करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए साहब,
ये 15 साल यहां कांग्रेस का राज रहा। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था, उन्होंने ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ये सप्त भगिनी की पहली बार दिल्ली में अलग मंत्रालय बनाया था, अलग बजट बनाया था, हर डिपार्टमेंट को कुछ परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्च करने का निर्णय किया था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक उत्तम प्रकार की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन बाद में 10 साल दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी कि जिसको इनकी परवाही नहीं थी, क्योंकि वो तो यही मानते थे अब एकाध एमपी इनका हमारे पास आया पाया, नहीं आया तो नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है, ये अहंकार था। भाइयों बहनों, सवाल एमपी की संख्या का नहीं है, सवाल इतने दूर सुदूर रहने वाले मेरे भाइयों बहनों के दिल में हिंदुस्तान के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा है, उनको अवसर देने का सवाल है, और हमने अवसर देने की दिशा में काम किया। पहले आए दिन महीने में 5 दिन सात ये नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री और मंत्री प्रधानमंत्री उस समय की सरकार उस समय के पार्टी के नेता इन नॉर्थ ईस्ट से आए हुए नेताओं को मिलने का समय तक नहीं देते थे, समय तक नहीं देते थे। आज भाइयों बहनों, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का मुख्यमंत्री हो, मुझे जब भी मिलने के लिए कहता है मेरे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के लिए खुले होते हैं। लेकिन हम वहां अटके नहीं, हमने तो पिछले 2 साल में भारत सरकार के 90 मंत्रियों का दौरा, कोई मंत्री 2 बार आए होंगे, कोई 3 बार आए होंगे, लेकिन केंद्र का कोई कोई मंत्री 90 बार नॉर्थ ईस्ट राज्यों में खुद आया और फिर अब स्टेट कैपिटल पर नहीं जिलों में गया और भारत सरकार की योजनाएं ठीक से लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, इन सारी चीजों का सीधा सीधा हिसाब लेने का काम किया है। पहले कोई आता नहीं था, अगर आना पड़ता था तो यहां के लोगों को आता। भाइयों बहनों, एडीसी की मीटिंग होती है, हमारे मंत्री जी इस मीटिंग में रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के समाधान के लिए सब मिल बैठ करके रास्ता निकालते हैं। इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था आखिर में जब मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, करीब 40 साल पहले जब मुरारजी की मीटिंग के लिए नॉर्थ ईस्ट में आए थे, 40 साल तक देश का एक भी प्रधानमंत्री एनईसी की मीटिंग के लिए नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं आया था। 40 साल के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो एनईसी की मीटिंग में आया, रात रुका, सभी मुख्यमंत्रियों से बातें की, अलग अलग बातें की, और नॉर्थ ईस्ट के विकास के संबंध में उनके मन में जो विचार थे उन्हीं को लागू करने की योजना भी बना दी और तेज गति से काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की एक शक्ति है। अब आप देखते हैं
सिक्किम छोटा सा राज्य, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आज तेज गति से विकास कर रहा है, लेकिन जहां कांग्रेस बैठी है वो एक भी राज्य विकास नहीं कर रहा है। आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें आती है, यही काम उन्होंने किया। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि भली भांति इन लोगों ने खेल खेले हैं, उन बातों को हम कभी भी भूल नहीं सकते। आज भी मणिपुर इतना समृद्ध इलाका, वहां गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या में 15 साल रहने के बावजूद भी कोई प्राथमिक परिवर्तन भी नहीं ले पाए। अगर गरीबों के प्रति इनकी इतनी उदासीनता है तो भाइयों बहनों, मेरे मणिपुर का विकास कैसे होगा? यहां पर भ्रष्टाचार की खबरें आए दिन, क्योंकि यहां तो भ्रष्टाचार करते हैं और जब पूछते हैं कि भाई क्या है तो बोले दिल्ली थोड़ा भेजना पड़ता है, ये बोलते हैं यहां के नेता। ऐसे कैसे नेता दिल्ली में पार्टी चलाने के पैसे भेजे, सरकारी खजानों से निकाले? भाइयों बहनों, ये पाप चक्र बंद होना चाहिए और मणिपुर को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को इस सारे चक्र से मुझे बाहर निकालना है। नौकरियों की भर्ती, हर भर्ती में मामला अदालत पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अदालतों ने मणिपुर सरकार के खिलाफ निर्णय दिया कि नहीं दिया, सारे नौकरी के मसले, नौजवान को जब तक उसके पास भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे नहीं है नौकरी के लिए तरसता है, यह स्थिति कांग्रेस ने पैदा की है कि नहीं की है? रेट बोलते रेट, टीचर बनना है इतना रेट, पुलिस में जाना है इतना रेट, क्लार्क बनना है इतना रेट, दरोगा बनना है, पुलिस वाला बनना है इतना रेट, ड्राइवर भी बनना है इतना रेट, किसी की मंत्री के यहां खाना पकाने जाना है तो भी इतना रेट, ये क्या करके रखा है भाई? काम के लिए बिठाया है? भाइयों बहनों, इन दिनों यहां के लोगों को बिजली की कटौती, हिंदुस्तान में जो औसत बिजली की कमी है उससे मणिपुर में 2.5 गुना कमी है। अगर मणिपुर को भारत मणिपुर की कांग्रेस सरकार आपके घर में उजाला नहीं चलाने देना चाहती, आपको अंधेरे में रखना देना चाहती है। मणिपुर सरकार को लगता है कि बिजली आएगा तो लोग टीवी चलाएंगे और टीवी में पता चल जाएगा कि इतना रुपया आया है लेकिन खर्च नहीं हुआ है तो वो चली जाएगी सरकार, इसलिए बिजली भी नहीं देते, बिजली भी नहीं देते। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से युवा को रोजगार के संबंध में अगर बिजली नहीं होगी तो यहां कौन कारखाने लगाएगा? कारखाने नहीं लगाएगा तो नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? भाइयों बहनों, बिजली का उपयोग है लेकिन इस सरकार को, भारत सरकार बिजली देती है तो भी उसको विकास करने में कोई रुचि नहीं है और उसके कारण
यहां आपने देखा होगा दिल्ली में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने दिल्ली की पुलिस में खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को रोजगार देने का प्रबंध किया ताकि दिल्ली में लोगों देखें कि मणिपुर से आए हुए नौजवान कितने होनहार है, किस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा कर सकते हैं, ये ताकत दिखाने का हमने काम किया। मैंने हिंदुस्तान के और राज्यों को भी कहा है कि आप भी अपने यहां पुलिस में नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को बुलाइए, उनकी सेवाएं लीजिए और देश को एक विश्वास दिलाइए कि नॉर्थ ईस्ट होनहार नौजवान है, वह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के मां भारती की सेवा कर सकते हैं, जन सामान्य की रक्षा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, यहां पर शिक्षा का अधिकार का मुद्दा हो, रोजगार का मनरेगा की योजना हो, एक भी चीज भारत सरकार के पैसे मिल रहे हैं लागू करने में उनको रुचि नहीं है। रुपये आते हैं, किसी के घर चले जाते हैं। मैं तो हैरान था जब मैंने 8 नवंबर को रात को 8 बजे टीवी पर आकर के कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, और 1000 और 500 की नोट बंद कर दी तो सबसे पहले कांग्रेस के नेता भागा भाग करने लगे, क्या हो गया। मोदी को दिखा देंगे, मोदी को देख लेंगे, मोदी को समझा देंगे, मोदी समझता क्या है। अरे भाई, 1000 और 500 की नोट 70 साल से गरीबों को लूट लूट करके अपने घरों में बंद पड़ी है, मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं ताकि चोरी का माल गरीबों के कल्याण के काम, विकास के काम आए। कुएं में पानी नहीं है तो कुआं खोदने के लिए काम आए, किसान के लिए। गांव में स्कूल नहीं है तो स्कूल बनाने के लिए काम आए। रेल का स्टेशन नहीं है तो रेल का स्टेशन बनाने के लिए काम आए। अस्पताल नहीं है तो अस्पताल बनाने के लिए काम आए। भाइयों बहनों, ये पैसा देश की जनता का है, देश के गरीब का है, ये जो लूट करके बैठे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो लूटा हुआ माल है ना, वो मैं वापस लेके रहूंगा और देश के गरीबों के काम लगाऊंगा। यहां के मुख्यमंत्री समझ लें, मणिपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ है 15 साल में, चिट्ठा हम खोल देंगे। ये बात मान के चलो, क्योंकि आपने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यहां के समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना के रख दिया, भाई भाई को लड़ा दिया आपने। क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर गई है जिसको समाज की परवाह नहीं हो, देश की परवाह नहीं हो, मणिपुर की परवाह ना हो, सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह हो। ऐसे लोगों को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है भाई। और इसलिए अब यहां कहते हैं कि नागाओं के साथ जो आपका अकॉर्ड हुआ है, मैं जरा यहां के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, 1.5 साल सोए थे क्या, गहरी नींद सोए थे क्या? ये अकॉर्ड 1.5 साल पहले हुआ ना, आपने कभी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है? मैंने स्वयं ने कांग्रेस के नेताओं को अकॉर्ड में क्या है सारा बताया है। और आज 1.5 साल के बाद जब चुनाव घोषित हो गया तो झूठ फैला करके मणिपुर के लोगों को बांटने का पाप कर रहे हो। मेरे मणिपुर के भाइयों बहनों, आप तय कीजिए कि आपको 15 साल तक मणिपुर को बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री के झूठ को मानना है
या 2.5 साल से ईमानदारी से आपकी सेवा में लगे हुए प्रधानमंत्री के सच को मानना है। निर्णय मैं आप पे छोड़ देता हूं भाई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नागांव का साझा कौन हुआ है, इसमें कहीं पर भी मणिपुर के टेरिटरी के साथ कोई भी धोखा करने की चर्चा नहीं है। इतना झूठ बोल रहे हो, मांगोगे
दिल्ली सरकार मदद करने को तैयार है। अभी इसी मिनट मांगोगे मैं यहीं पर कहता हूं आपको मदद करने के लिए हम तैयार हैं। ब्लॉकेज खाली कराओ। भाइयों बहनों, चुनाव जीतने के लिए जनता पर इतना जुल्म करें, जनता को भूखा रहने के लिए मजबूर करें, चुनाव जीतने के लिए जनता को काले बाजारी में माल खरीदने के लिए मजबूर करें, भाइयों बहनों ऐसी निर्दलीय निर्दय निर्दय पूरी तरह निर्दय ऐसी सरकार को एक मिनट मणिपुर में रहने का हक नहीं है। भाई, मणिपुर के लोगों ने ऐसी सरकार को सजा करना चाहिए। भाइयों बहनों, और ये चुनाव मौका है, आपके साथ खिलवाड़ किया है और आप पुराना इतिहास देखिए, हर चुनाव के पहले ऐसा ही ड्रामा किया है, उन्होंने ऐसा ही खेल खेला है, भाई भाई के साथ झगड़ा करवा दिया है और अपना उल्लू सीधा किया है। लेकिन तब तो दिल्ली में आपकी सरकार थी तो आपकी गाड़ी चलती थी, अब आपको हिसाब देना पड़ेगा दिल्ली में मोदी बैठा है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहता हूं ये जनता पर जो जुल्म किया है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आप अब बचने वाले नहीं हो, मान के चलिए भाई। और झूठ बोलते हो, जिम्मेवारी आपकी, करना कुछ नहीं और मजा ले रहे हो, हिसाब लगा रहे हो कि ब्लॉकेज जरा ज्यादा तेज होगा तो ज्यादा फायदा होगा, लोग भूखे मरेंगे तो फायदा होगा। अरे मुख्यमंत्री जी, वो जमाना चला गया, अब मणिपुर का बच्चा बच्चा हर बात को समझता है, आपके झूठ को कभी स्वीकार करने वाला, चाहे मैदानी इलाकों में रहने वाले हो चाहे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हो, आप विश्वास दिखिए, आप मेरे लिए समान है। भाइयों बहनों, आप किस जनजाति के हैं, आप किस इलाके में हैं, मेरी सरकार कभी आपसे भेदभाव नहीं करेगी, आपको हक का पूरा देने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, हमने यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मणिपुर के लोगों ने कितना बड़ा देश का नाम रोशन किया है, पूरे खेल जगत में आज हम गर्व से खड़े रहते हैं कि मणिपुर के हमारे लोगों ने इतना बड़ा हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है देश का। मणिपुर के अंदर एक ताकत पड़ी है और इसलिए हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय किया, पैसे आवंटन कर दिया। लेकिन ये मुख्यमंत्री, हमने सुना है देश में शायद किसी मुख्यमंत्री के लिए परसेंटेज की बात नहीं होती है, कितने परसेंटेज चलते हैं यहां, कितने 10 कितने, आप सबको मालूम है, फिर भी इसको रहने देते हो। देश में कहीं 10% चीफ मिनिस्टर सुना है भाई, हम तो पहली बार है, हम तो समझे भी नहीं कि 10% होता क्या है। तो मैंने पूछा मणिपुर वालों को, तो ये सब लोग कहते हैं लिखते हैं 10%, 10%, मैंने कहा ये क्या है भाई, ये कौन सा शास्त्र है। बोले मोदी जी, आप ईमानदार आदमियों को जल्दी समझ नहीं आएगा ये कैसे बेईमान हो गए। भाइयों बहनों, अब मणिपुर को 0% वाला मुख्यमंत्री चाहिए, 0% वाला मंत्री चाहिए, 0% वाली सरकार चाहिए, तब जाकर के मणिपुर का भला होगा। भाइयों बहनों, और इसलिए बहुत हो गया, 15 साल तक 10% कितना चला गया आपका, अगर उतना ही रह गया होता ना तो भी मणिपुर आज दुनिया के सामने एक ताकत बन के खड़ा होता, लेकिन इन्होंने तबाह कर दिया है। भाई,
भाई बहनों, चाहे रोड का काम हो, अभी हमारे नितिन गडकरी जी आए थे, मणिपुर का विकास करना है, नॉर्थ ईस्ट का विकास करना है, तो मेरी पक्की समझ है अगर यहाँ रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क मिल जाए, एयर नेटवर्क मिल जाए, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट पूरे हिंदुस्तान के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। 125 करोड़ देशवासी पागल की तरह यहाँ चले आएंगे, आपके बीच कुछ दिन बिता करके आनंद से टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए यहाँ से जाएंगे। यहाँ के लोग दुनिया में जा पाएंगे, यहाँ की पैदावार बहुत कम खर्च से हिंदुस्तान के बाजार में जाएगी, हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचेगी। बताइए नॉर्थ ईस्ट का कितना भला होगा भाई। हम नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की दिशा में काम करना चाहते हैं, और ऑर्गेनिक स्टेट बनता है हमारा किसान जो पैदा करता है, एक बार वो ऑर्गेनिक बन जाता है तो एक रुपये के बदले में एक डॉलर मिलता है, इतनी कमाई हो जाती है भाई। जो ये काम मुझे नॉर्थ ईस्ट में करना है, हमें रेल से जोड़ना है नॉर्थ ईस्ट को। हिंदुस्तान में दिल्ली के साथ सीधी रेल जोड़नी चाहिए, इस काम पर हम लगे हुए हैं। हम विकास की नई ऊंचाइयों के लिए, शिक्षा के हर दाम IIT बनाना है तो हम बनाना चाहते हैं, ताकि यहां के नौजवानों को अपने घर में रह करके शिक्षा दीक्षा के लिए लाभ मिले। हम विकास के लिए बिजली, हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, हर घर में बिजली देना चाहते हैं। राज्य सरकारों पर कोई काम नहीं करेगी, रुकावटें डालेगी, तो अंधेरी जिंदगी में मेरे मणिपुर के भाइयों बहनों को रहना पड़ेगा, हमें उससे बाहर लाना है भाई। और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह कर रहा हूं, किसान भाइयों बहनों, हम विकास के लिए मत मांगते, उनको 10% के लिए चाहिए, मुझे आपका 100% विकास हो इसके लिए वोट चाहिए भाई। एक तरफ 10% कमीशन वाले हैं, दूसरी तरफ 100% विकास वाले हैं। निर्णय आपको करना है कि 10% कमीशन वालों के पास जाना है कि 100% विकास वालों के पास जाना है। और जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे मन में साफ है, विकास का हमारा मतलब है किसान को सिंचाई, बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई और बुजुर्गों को दवाई। भाइयों बहनों, हम किसान को उसकी जो आवश्यकता है उस पर बल देना चाहते हैं। एक समय था हमारे किसान को यूरिया चाहिए, महीनों तक यूरिया नहीं मिलता था, किसान को यूरिया समय पर चाहिए, सरकार को परवाह नहीं, सर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दो सो जाओ। हमने किया भाई, क्या कारण है कि सारे देश में यूरिया के लिए किसान रो रहा है, काले बाजारी में खरीद रहा है? हमने यूरिया का निमकोटिंग कर दिया, यूरिया की चोरी बंद हो गई, यूरिया की काले बाजारी बंद हो गई, जिस किसान को यूरिया चाहिए समय पर मिलने लग गया, जितना चाहिए इतना मिलने लग गया, काले बाजारी बंद हो गई। भाई बहनों, आज मध्यम वर्ग का परिवार भी हो, अच्छी खासी कमाई हो, लेकिन अगर घर में एकांत व्यक्ति बीमार हो जाए तो पूरा घर का बजट बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, बेटी की शादी रुक जाती है, बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है। एक बीमारी अगर घर में आगे बढ़ी तो पूरा घर तबाह हो जाता है। डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, पूरा परिवार डर जाता है, बस हो गया, मर गए, अब परिवार बच्चे का नहीं। भाइयों बहनों, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उसकी सेवा कैसे होगी? हम आए सरकार में, हमने सोचा कि गरीब मध्यम वर्ग का व्यक्ति अगर इतनी दवाई महंगी होगी तो वो बचेगा क्या, उसका परिवार बचेगा क्या? वो तो बीमारी के कारण मरेगा, लेकिन परिवार आर्थिक बोझ के कारण मर जाएगा। हमने दवाई बनाने वाली कंपनियों को बुलाया, हमने जरा पूछताछ की,
हमने कहा भैया 30,000 रुपये में गोलियां बेचते हो आप, 30,000 रुपया अगर महीने में 2 गोली खानी है तो भाइयों बहनों वो बेचारा 7,000 रुपया कहां से लाएगा। हमने कहा इतनी दवाइयां महंगी कैसे आती है भाई, कैसे बनाते हो, क्या डालते हो अंदर, जरा कितनी कीमत होती है निकालो। शुरू में तो बताते ही नहीं थे, लेकिन हम तो अटकने वालों में तो है नहीं, हम जरा पूछ लेके बताओ भाई। भाइयों बहनों पूरी जांच पड़ताल करके हमने नियम बना दिया, 800 दवाइयां जो लोगों को जीवन मरण के लिए जरूरी होती है हमने उसके दाम तय कर दिए, और जो दवाई 30,000 रुपये में बिकती थी आज उसको 3,000 रुपये में बेचने के लिए मजबूर कर दिया। जो दवाई की गोली 80 रुपये में बिकती थी वो 12 रुपये में बिकना शुरू हो गया। आप बताइए गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ, मध्यम वर्ग का भला हुआ कि नहीं हुआ। भाई आजकल हृदय रोग की बीमारी होती है, दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट अटैक आता है, भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हमें तो पता नहीं अंदर क्या हुआ है, दर्द हो रहा है तो डॉक्टर देख करके बता देता है इनकी नली के अंदर खून जाने का, ब्लड जाने का रास्ता ही बंद हो गया है, वो रास्ता खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए अंदर बोले अंदर स्टेंट लगाना पड़ेगा, और फिर डॉक्टर बताता है कि ये देसी स्टेंट है, इंडिया का बना हुआ है, ये लगाओगे तो 45,000 रुपया होगा, ये विदेश से लाए हैं ज्यादा अच्छा है, ये लगाओगे तो 1.5-1.5 लाख रुपया होगा। अब बेचारा मृत्युशैया पे पड़ा है, हृदय रोग का बीमारी है, माँ बाप को, बच्चों को, भाई को, बहन को, पत्नी को, सबको लगता है बचना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई आपका क्या सलाह है, क्या करें? तो कहता है अगर 45,000 वाला स्टैंड लगाओगे तो 4-6 साल जिंदा रहेगा, लेकिन ये 1-1.5 लाख वाला लगाओगे तो जीवन भर कभी देखना नहीं पड़ेगा। तो वो बेचारा कौन कहेगा कि भाई 6 साल में मरना है, तो वो 1.5 लाख का लगवा देता है। भाइयों बहनों में हैरान था, गरीब आदमी 1.5 लाख का स्टैंड कहां से लगाएगा। मैंने बनाने वालों को बुलाया, जरा हिसाब किताब मांगा, और मैंने कहा आप गरीब जनता को लूट रहे हो, बंद करो हिसाब। और आपने देखा होगा अभी 10 दिन पहले भारत सरकार ने एक ऑर्डर कर दिया कि 45,000 रुपया में जो स्टैंड बेचते हो वो बंद करो, सिर्फ 7,000 रुपये में बेचना पड़ेगा ताकि गरीब आदमी दवाई करा। जो 1.5-1.5 लाख में बेचते हैं हमने कहा इसको 25-27,000 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकते हो, गरीब की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा, आप झूठ बोल करके लोगों को लूट रहे हो। भाइयों बहनों हम गरीब के लिए काम करने वाले सरकार, सामान्य मांगने के लिए काम करने वाली सरकार, बीमारी में हर किसी की मदद करने के लिए सरकार है। भाइयों बहनों नौजवान को रोजगार, यहां पर रेट बोले जाते हैं, दाम है, ये नौकरी चाहिए इतना दाम, ये नौकरी चाहिए इतना दाम। हमने भारत सरकार में आने के बाद एक नियम बनाया कि वर्ग 3 और 4 भारत सरकार में सबसे ज्यादा रोजगार उसी में होता है। तो हमने कहा कि वर्ग 3 और 4 क्लार्क बनना है, टीचर बनना है, सरकारी मुलाजिम बनना है, पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, ये सारे 3 और 4 में आते हैं। अब वो जब इश्तहार निकलता है, एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो लाखों लोग अर्जी करते हैं, अर्जी करने के बाद लिखित एग्जाम होती है, उसमें कुछ लोग पास होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद नौकरी मिलती है। होनहार लड़का भी स्कूल में, कॉलेज में अच्छे मार्क लाया है, रिटर्न टेस्ट देता है उसमें भी अच्छे मार्क आते हैं, इंटरव्यू की चिट्ठी आ जाती है घर पे, माँ बाप को लगता है चलो बेटे को अब नौकरी मिल जाएगी,
दो चार दिन में कोई घर आ जाता है, वो कहता है सुना है बेटे को इंटरव्यू आया है, तो माँ भी खुशी से कहती है हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ है बेटे को इंटरव्यू आया है। फिर वो समझाता है कि देव भाई ये इंटरव्यू आया है तो ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, किसी की सिफारिश लगती है, आप जरा कुछ कोशिश करो। तो वो माँ कहती है देखो भाई तुम्हारे पास कुछ है तो मदद करो। तो वो फिर तीन दिन के बाद दोबारा आता है, माँ मैंने एक आदमी ढूंढ लिया है इंटरव्यू में पास करवा देगा, बस सिर्फ 2,00,000 रुपए लगेगा। वो माँ को भी लगता है बेटे को बेचारे को नौकरी मिल जाए तो वो भी क्या अच्छा बेटा मैं घर गिरवी रख देती हूँ, गहने गिरवी रख देती हूँ, जमीन गिरवी रख देती हूँ, लो लो 2,00,000 रुपये बेटे को नौकरी दिलवा दो। ये चलता है कि नहीं चलता है भाइयों? ये पाप चलता है कि नहीं चलता है? कोई मुझे बताए ऐसा कैसा विज्ञान है कि एक कमरे में 3 बाबू बैठे हैं, एक दरवाजे से कोई इंटरव्यू जिसको देना है वो नौजवान या वो बेटी अंदर आती है 30 सेकंड में, आधे मिनट में, और 3 में से एक आध पूछ लेता है क्या नाम है, कहां से आए हो, ठीक है, और वो दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। क्या आधी मिनट में ये पता चल जाता है कि कौन अच्छा है कौन बेकार है? ये बेईमानी है कि नहीं है? ये पैसे कमाने का गोरख धंधा है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचार का दरवाजा है कि नहीं है? भाइयों बहनों दिल्ली में आकर के हमने निर्णय कर लिया कि अब वर्ग 3 और 4 के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जो लोग परीक्षा का मार्क आया है कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा और जिसके सबसे ज्यादा मार्क है उसको सीधा सीधा नौकरी का ऑर्डर चला जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? नौजवान को उसका हक का मिला कि नहीं मिला? हमने मणिपुर को कहा कि आप भी लागू करो, नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि उनको मालूम है वो थैले वाला उन्हीं का तो होता है 10%। भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम मणिपुर में भी ये इंटरव्यू के नाम पर चल रहे कारोबार को बंद करा देंगे, ये भ्रष्टाचार को बंद करा देंगे, नौजवान को रोजगार देने की चिंता करेंगे। भाइयों बहनों आप मुझे बताइए 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी, और मैं यहां मणिपुर में भाषण में बोला था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने देश को क्या वादा किया था? कांग्रेस पार्टी की बड़ी मीटिंग दिल्ली में हुई और लोकसभा के चुनाव के लिए जाने से पहले उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली में अगर फिर से भारतीय कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वे गैस के सिलेंडर जो साल में 9 मिलते हैं वो 12 कर देंगे, और इसके लिए उन्होंने वोट मांगा था। गैस का सिलेंडर साल में 9 मिलते हैं 12 करेंगे, आप हमें वोट दे दो, ऐसा कहा था। भाइयों बहनों हम सरकार में आए, हमने कहा जरा गैस का क्या शास्त्र है समझे, जरा 3-4 महीने जरा अध्ययन किया, और देखा गया भाइयों बहनों हमारे देश में ऐसा ये काला बाजारी खेल चल रहा था। हमने कहा गरीब मां जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो उस मां के शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाता है, 400 सिगरेट का। आप मुझे बताइए हर दिन जिस मां के शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाता हो उस मां की तबीयत अच्छी रहेगी क्या? वो बीमार होगी कि नहीं होगी? क्या उस मां को धुएं से बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? इतना ही नहीं, घर में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, खाना पकता है तो बच्चे भी तो वहीं होते हैं, और जब छोटे छोटे बच्चों के शरीर में भी इस सिगरेट का धुआं जाता है वो बच्चा कितने दिन अपना शरीर बचा पाएगा? ऐसे बच्चों की मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमने निर्णय किया, हमने निर्णय किया कि हम हिंदुस्तान में 3 साल के भीतर भीतर
5 करोड़ गरीब परिवारों के घर में मुफ्त में गैस का कनेक्शन दे देंगे और इन माताओं को लकड़ी के चूल्हे से बचाएंगे। और भाइयों बहनों, मणिपुर में भी हजारों परिवारों में नए गैस के कनेक्शन दे दिए, 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार होने नहीं दिया, मुफ्त में कनेक्शन दे दिए उन माताओं बहनों को लकड़ी के चूल्हे से 400 सिगरेट पीने के लिए जो मजबूर होना पड़ता था उससे बचाने का काम किया। भाइयों बहनों, अगर विकास यही मकसद हो, विकास यही मंत्र हो, तो हम मणिपुर को हिंदुस्तान में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते, टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। यहाँ के नौजवान हो रहा है, यहाँ की बेटियां होनहार है, भारत के सामर्थ्य में नई ताकत जोड़ने के सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं, उनको लेकर के हम विकास की ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। और इसलिए आज मैं मणिपुर की धरती पर आया हूं, पूरे राज्य के लोगों को इस जनसभा के माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के 5 साल सेवा करने का मौका दीजिए। और मैंने कहा, अगर मणिपुर में आप भाजपा की सरकार बनाओगे, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, तो मणिपुर के विकास के लिए डबल इंजन लगेगा या नहीं लगेगा? एक इंफाल का इंजन और एक दिल्ली का इंजन। भाइयों बहनों, और ये मेरे बात लिखनी है तो लिख करके रखिए, और 15 महीने के बाद मेरे से हिसाब मांगिए। 15 साल में जो काम नहीं हुआ है कांग्रेस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 15 महीने में वो हम करके दिखाएंगे। ये मैं फिर से वादा दोहराता हूं, 15 साल के सामने 15 महीने। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके सपनों पूरा करने के लिए हम साथ खड़े रहेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाइए, उनके एक भी झूठ को स्वीकार मत कीजिए, एक भी झूठ को स्वीकार मत कीजिए। मणिपुर भी हमारा है, मणिपुर की एक एक इंच धरती हम मणिपुर वासियों की है, उसकी रक्षा करने के लिए भारत की सरकार आपके पास है। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से पूरे मणिपुर में सुनाई दे और झूठ बोलने वालों की नींद हराम हो जाए, भारत माता की, 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता उड़ गए, टोपी उड़ गई, उड़ गए उनके कान, बीच सभा में खड़ा हो गया गधा सीना तार।